समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कासगंज में एक जनसंबोधन किया। उन्होंने कहा कि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, अगर समाजवादी पेंशन चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, तो आप समाजवादी पार्टी को समर्थन दीजिए। मेरे साथ यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ लोग पहले कांग्रेस और बसपा से ताल्लुक रखते थे, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, अजय चतुर्वेदी जी से। काफी अच्छे विचारक हैं और जाने माने उद्योगपति हैं एटा कासगंज के। अजय जी, कैसे देखते हैं, पहले आपने हाथी की सवारी की, अब साइकिल की सवारी पे हैं, क्या लग रहा है, क्या अखिलेश में आपको ऐसा क्या लगा? रंजीत भाई, मैंने 2012 से 2017 के बीच में जो अखिलेश जी का शासनकाल था, उसमें जो प्रदेश की स्थिति प्रगति हुई, लोगों में खुशहाली आई, किसान भाइयों में खुशी की लहर रही और विकास हुआ, और 2017 से 2022 के बीच में मैंने जो आकलन किया है, प्रदेश झूठ असत्य पर सरकारें काम कर रही हैं, जनता बदहाल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और केंद्र से लेकर के, और मैं कहना चाहूँगा प्रदेश तक, पूरा भ्रष्टाचार आकंठ में डूब चुका है। इस भ्रष्ट सरकार का हटना बहुत आवश्यक है। मैं सभी विप्र समाज से, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, सभी वैश्य वर्ग से, जो व्यापारी वर्ग से लोग हैं, आह्वान करता हूं और प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार अगर समाजवादी पार्टी बहुमत से दूर रही तो इस प्रदेश का बेड़ा निश्चित तौर पर गर्क होना है। यही आशय लेकर के मैंने अखिलेश जी में आस्था व्यक्त की है और पुरजोर प्रयास रहेगा कि कासगंज की तीनों सीटों पर, एटा की चारों सीटों पर सपा का प्रचंड बहुमत। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मेरे साथ यार समाजवादी पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग भी हैं, कैसे देखते हैं, क्या लहर चल रही है? अखिलेश भाई ने भी कहा खड़े होकर मंच से कि पहला चरण हम साफ करके आ रहे हैं पश्चिमांचल से, कल से आप लोग यहाँ पे हैं कासगंज में, क्या माहौल है? साइकिलें चारों दिन आपने देख ही लिया, पूरी पराठा भर रही है, पराठा साइकिल में स्पीड दौड़ रही है साइकिल, उसकी रफ्तार इतनी होगी सब पीछे रहेगा, एक तरफा है, चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, कट जाएगा हाथ, जड़ जाएगा फूल। वाह वाह, हमारे साथ सत्यभान साग के हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं आज अखिलेश की बाइट ले रहे हैं साहब, उससे बेहतर तो आप देख रहे हैं और बाइट ले रहे हैं भाई, और हवा जो चल रही है, इस आंधी हवा बनाने को काम भी सात कुशवा मौर्य सैनी ने किया है। मैं एक दो टूक बात आपको बता दूं कि काछी का बेटा और हाथी का बेटा अगर दहाड़ के उठ जाए तो कुछ भी कर सकता है, क्या बात, वो करके दिखाया है इस समाज ने। बीएसपी छोड़ने के बाद हाथी याद है अभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, बीएसपी तो मैंने बहुत पहले छोड़ी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी रहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के बाद इन लोगों ने जो बेईमानी मेरे साथ, लोगों ने कहा कि मोदी की लहर है, मैंने कहा है मोदी की नहीं, ये शाक्य कुशवा मौर्य सैनी की लहर है, वो लोग नहीं माने तो मैंने कहा मैं तुम्हें 2022 में दिखाऊंगा तुम्हारी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। अच्छा ये बताइए, मैं अमापुर विधानसभा में लगातार कैंपेनिंग कर रहा हूँ, हरिओम वर्मा कहते हैं कि यादव गाय छोड़ देते हैं दूध पीकर, आपके दूसरे प्रतिद्वंदी हैं वो ये कहते हैं कि सुभाष शाह की जो है कि वही सत्तन शाह के बाहरी प्रत्याशी हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इस डैमेज को, क्योंकि जातिगत वोट का संघर्ष है। मैं राजा रामपुर का रहने वाला हूँ जी, मेरा अलीगंज में और एटा में भी कोठियाँ हैं, उसके बाद मैंने लखनऊ में भी मकान बनाया है, मैंने समाज के लोगों से पूछा है, अब आप मुझे जवाब दें कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, और मैंने समाज से दावा किया है कि 3 महीने के अंदर, विधायक बनने के 3 महीने के अंदर यहाँ पर मैं मकान बनाना शुरू करूँगा। तो सुभाष साकी के बयान की काट कैसे होल्ड कर रहे हैं? अरे कुछ है ही नहीं सुभाष साकी का, आप आज हर समाज संघर्षशील है, हर समाज जागृत है, सबको पता है कि साइकिल फर्राटा काट रहे हैं, हाथी के लिए चारा ही नहीं है, क्या मतलब है? तो अच्छा आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्या है हमारे विधानसभा के मूल मुद्दे? सबसे बड़ा मूल मुद्दा तो इस विधानसभा का ये है कि इसमें एक भी सड़क पूर्व विधायक ने नहीं बनवाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई कार्य नहीं किया, मैं उन्हीं सब मुद्दों को लेकर, बिजली फ्री, शिक्षा और सभी मुद्दों को लेकर
बेरोजगारी, तमाम चीजें हैं जिनके लोगों को लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमापुर से सत्यभान साख के, जो बता रहे थे कि डैमेज कंट्रोल हो रहा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल फर्राटा भर रही है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो साइकिल फर्राटा भरी या हाथी चला या कमल खिला, ये आने वाला वक्त बताएगा जनता के हाथ में।